हाय फ्रेंड्स, आई एम भाग्यश्री। वेलकम टू कुक विद शगुन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो फ्रूटी। ये फ्रूटी आपने बचपन में बहुत सारी पी होगी, तो आज हम बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़े से मैंगो, बस हम मैंगो से ही बनाने वाले हैं ये फ्रूटी। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर का बटन आया है ना उस पर आप क्लिक करिए, और जो साइड में जो घंटी का बटन है उसको भी आप प्रेस करिए। यहाँ पे मैंने 4 पक्के मीडियम साइज के आम लिए हैं। आपके पास अगर बड़े आम हो तो आप यहाँ पे 4 की जगह पे 3 कर सकते हो। और इस आम को अब मैं इसके जो छिलके वो निकाल दूंगी। हमारे सारे आम छिल चुके हैं, अब हम इसको रफली कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। और यहाँ पे मैंने एक कच्चा सा आम लिया है, यहाँ मैं पूरा आम नहीं लूँगी। इस आम को मैं छिलके निकाल के उसको काट दूँगी, और उसमें से मैं 1/2 कप के करीब ही उसको यूज़ करूँगी इसमें। जो यहाँ पे जो पके आम हमने छिल दिए थे छोटे छोटे पीसेस में, उसको मैं कट कर लूँगी। आपको कुछ एक साइज़ के नहीं आम काटने हैं, रफली आप चॉप कर दीजिए उसको। सारे आम के टुकड़े हो चुके हैं, अब हम इसको एक मिक्स जार में ट्रांसफर कर देंगे, और इससे हम एक प्यूरी बनाएंगे। ये 1/2 कप कच्चा आम मैंने यहाँ पे डाला है, और इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप के करीब पानी डालूंगी, जिससे ये हमारा आम को जो मिक्सी में अच्छी तरह से वो फाइन पेस्ट बन जाएगा, उसका प्यूरी बन जाएगा। तो हमारा ये आम का प्यूरी एकदम रेडी है। अब हम इसको एक कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी ली है, शुगर ली है, उसको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी, और 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी भी डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपके आम थोड़े से खट्टे हो, मेरे तो एकदम पक्के और एकदम स्वीट आम हैं, अगर आपके आम थोड़े से खट्टे हो तो आप इसमें 1/4 कप की जगह पे यहाँ पे 1/2 कप शुगर ऐड कर सकते हो। इस चीनी को हमें पकाना है, इसलिए मैंने इसको गैस पे चढ़ाया है, और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है, और हम इस प्यूरी को कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे, उसको चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने इस प्यूरी को 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया है, और उसको कंटिन्यूसली स्टर किया है। आप देख सकते हो 5 मिनट के बाद हमारे जो ये आम का पेस्ट था, प्यूरी था, वो एकदम उबलने लगा है, खोलने लगा है। तो हम इस टाइम इसमें क्या करेंगे, उसको 1-2 मिनट अभी और भी पकाएंगे उसको, और अभी हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। करीब 7 मिनट के बाद मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, अब हम इसको एकदम ठंडा कर देंगे।
ये एकदम ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब हम एक बाउल लेंगे, बाउल के ऊपर हम छन्नी रखेंगे और छन्नी की मदद से उसको छान लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आम की प्यूरी है उसको हम छानेंगे, उसका एक फ़ायदा है कि इसके अंदर जो भी रेशे होंगे और आम के जो छोटे छोटे टुकड़े अगर रह गए होंगे तो वो भी निकल जाएगा और हमको एक स्मूथ प्यूरी मिल जाएगा आम का। तो यहाँ पे मैंने जो हमने पूरी पकाया था उसमें मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से हम एक मिक्स दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट स्टाइल फ्रूटी है वो एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद हम इसको चिल सर्व कीजिए। आपके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा और आपके जो गेस्ट आएंगे वो तो आपकी वाहवाहियाँ करेंगे। जो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।